नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। कानपुर में लाखों रुपए के नोटों के टुकड़े मिलने से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल हाईवे पर मिले नोटों के टुकड़ों की वजह से पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस का कहना है कि नोटों के टुकड़े इतने छोटे हैं कि उससे उनके असली और नकली होने का अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ में जुट गई है। तो आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कानपुर में लाखों रुपए के नोटों के टुकड़े मिलने से इलाके में बवाल मच गया है। दरअसल हाईवे पर मिले नोटों के टुकड़ों की वजह से पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और अन्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। पुलिस का कहना है कि नोटों के टुकड़े इतने छोटे हैं कि उससे उनके असली और नकली होने की अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर अलीगढ़ हाईवे पर अडौल थाना क्षेत्र के मेडुआ गांव के पास से जो सर्विस रोड निकला हुआ है उसी पर नोटों के टुकड़े ग्रामीणों को देखने को मिले। रोड के किनारे इन टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। जब गांव वाले ने इसे करीब से देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार पाल टीम के साथ मौके पे पहुंचे और दूसरे विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी। फिलहाल मौके पर उप जिलाधिकारी समेत पुलिस बल पहुंचा है और नोटों की जांच की जा रही है। वहीं आरबीआई और इनकम टैक्स विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है। पुलिस ने नोटों के कटिंग को अपने कब्जे में ले लिया है। गाँव वाले को किसी भ्रष्टाचार की आशंका लग रही है। गांव वालों का कहना है कि नोटों की कतरन में सिर्फ 2000 के नोट को छोड़कर सभी नोटों की कतरन यानी 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोटों की कतरन शामिल है। पुलिस फिलहाल आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से पूछताछ में जुटी है। वहीं हाईवे और आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आरबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच शुरू की है। वहीं नोटों की कतरन को सुरक्षित बोरे में भरकर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि अरौल थाना प्रभारी के मुताबिक दोपहर 2 बजे के लगभग पुलिस को सूचना मिली कि मेडुआ गांव के पास सर्विस लेन के किनारे नोटों के टुकड़े फैले हुए हैं। सूचना पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। कतरन को देखने से प्रतीत हो रहा था कि 10, 20, 50, 100, 500 के नोट के टुकड़े फैले हुए थे। नोट असली है या फिर नकली, इसकी जाँच की जरूरत है। फिलहाल बोरों से भरकर नोटों को सुरक्षित कर लिया गया है। फिलहाल जाँच के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।